स्वागत है आप सभी के हमारे सजीर भाई गुरु चैनल में आने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मेरा नाम है सजीरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सजीर भाई गुरु। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। मेरे मैकेनिक भाइयों, मेरे पास आया है कि ये रॉयल इनफील्ड और 350 cc मॉडल। इस बाइक में सेल्फ स्टार्ट काम नहीं कर रहा है, तो मुझे तो पता चल गया इसमें एक्चुअली हुआ क्या है। मैं आपको बताता हूँ जो क्या हो रहा है बीमारी, वो दिखा रहा हूँ और ठीक करके दिखाऊँगा। जैसे इग्निशन को ऑन किया और तो मेरे मैकेनिक भाइयों, आप लोगों को पता चल गया जो हम सेल्फ का स्विच दबाते हैं तो इंजन नहीं घूम रहा है, खाली सेल्फ का जो मोटर है वही घूम रहा है। तो इसमें रीजन क्या है, इसमें एक्चुअली क्या ख़राब हुआ है, इस वीडियो में आपको पूरा मैं मदद करूंगा, क्योंकि मुझे तो पता हो चुकी है। अब मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊँगा और आप लोग ये काम कर सकते हैं। रॉयल इनफील्ड का जो काम होता है, काफ़ी सारे मैकेनिक ये छोड़ देता है और ये ख़राब बात है। हम लोग मैकेनिक है, हम लोगों को हर कोई बाइक के बारे में जानकारी होना चाहिए और हम लोगों को काम करना चाहिए। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो रॉयल इनफील्ड बाइक का जो सेल्फ अगर घूमे, अगर इंजन ना घूमे तो हम लोग कौन सा चीज़ को खोले और क्या चीज़ का ज़रूरत होता है और पुलार कौन सा पुलार होना चाहिए, इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, हम ये फुल रेस पहले खोलेंगे और गियर लीवर खोलेंगे, उसके बाद ये जो चैम्बर है इसको निकालेंगे, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो हमने क्लच चैम्बर खोल लिया है, अब हम आपको बताते हैं जो कौन सा लोड गियर ख़राब है और इसका वन वे बैरिंग अगर ख़राब रहे तो भी हमको पता चले। चले गो सिल्प मारो। बस 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 बस। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये सेल्फ से लेके यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये जो पिनियम है ये नहीं काम कर रहा है। तो हमें इस चीज़ को खोलना है और खोलने के बाद हम देखते हैं। एक बार सेल्फ मारो, आप लोग देख पा रहा है ये पिनियम घूम रहा है, लेकिन इस जो कनेक्टिंग रॉड का जो मेन शाफ्ट है इसे इंजन को पिस्टन को घुमा नहीं पा रहा है, तो इसका कारण ये काम नहीं कर रहा है। तो चलो हम इसे खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। चलो तो मेरे मैकेनिक दोस्तों, जैसे कि हमने क्लच चैम्बर को खोला है और इस नाट को खोलना है और ये जो 24 नंबर नाट है इसे खोलना है, 17 नंबर इसे बोल्ट खोलना है और 24 नंबर नाट खोलना है। तो इसके लिए हम लोगों का ज़रूरत होता है कुछ इस तरह का पुलार, जिसमें कि हम इसमें लगाएंगे, ठीक है, इसमें लगाएंगे और ये दोनों आपस में सपोर्ट कर रहा है। जब भी ये दोनों नाट हम खोलेंगे दोनों को घूमने नहीं देगा और ये आराम से खोल जाएगा। तो चलो हम आप लोगों को खोल के दिखाते हैं। तो चलो खोलो। बस खुल गया है। अब इसे खोल दीजिए 24 नंबर गुटी लेके। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, दोनों नाट को खोलने का तरीका यही है और हम लोग वन वाई बैरिंग को चेंज करने के लिए ये दोनों नाट ही खोलना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद हम दोनों को निकालेंगे। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो नाट है इसे हम ज़्यादा नहीं खोलेंगे, सिर्फ ढीला देंगे, और भी थोड़ा ढीला दें क्योंकि थोड़ा हमें इसे हाउसिंग को लाना है, ठीक है, बस लाना है। और जैसे कि इस तरह को हमने टाना और इसको भी टाना, टाने के बाद ये आहिस्ता करके पिनियम हमारा आ चुकी है। अब सवाल ये फ्रेंड, यहाँ एक वाशर होता है, ठीक है, और ये जो रोलर बैरिंग है ये आहिस्ता आहिस्ता करके इस साइड फिर ही आएगा और इस साइड को लॉक नहीं कर पा रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं इस पर क्या हुआ है। एक्चुअली ये जो कटिंग है ये थोड़ा स्क्रैच आ चुकी है और इसका कारण ये प्रॉब्लम हो रहा है और ये बैरिंग भी टूटा हुआ लग रहा है, ये ख़राब हो चुकी है। ये जो बैरिंग होता है ये ख़राब है, ख़राब का कारण ही हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये देख रहा है
इसमें स्क्रैच आ चुकी है, देखो इसमें भी स्क्रैच आ चुकी है और इसमें भी स्क्रैच आ चुकी है। तो हम अगर ये बैरिंग अगर न्यू डालें तो इसमें काम नहीं बनेगा, इसके लिए हम लोगों को पूरा असेंबली चेंज करना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों का बाइक का जो सेल्फ है एकदम 100% ठीक हो जाएगा और दिक्कत कोई नहीं आएगा। तो हम मार्केट से ये लाते हैं, इसका कीमत कितना है आप लोगों को बताता हूँ, उसके बाद बाइक को स्टार्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, जैसे आप लोगों को देखा हमने खोला, इस तरह से आप लोग खोलिए। आप लोगों का जो बाइक में अगर रॉयल एनफील्ड बाइक आते हैं और सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, इंजन घूम रहा है नहीं, तो आप लोग आराम से बाइक को खोलिए। आप लोग टेंशन मत लीजिए कि ये खोलने का बाद गलत हो जाएगा, हमने जिस तरह से खोला उसी तरह से खोलिए। लेकिन आप लोगों को इस पुलार का बहुत ही ज़रूरत होता है, ये पुलार अगर नहीं रहे तो अब मुश्किल ही होता है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, अब हम आपको बताएंगे जो वन वाई बैरिंग हमने मार्केट से लाया है, ये देखो ये न्यू है, ठीक है, और ये हमारा ओल्ड है। तो मार्केट में हमने पूरा देखा, इसका इसमें थोड़ा स्क्रैच था तो इसे हमने घस के थोड़ा अच्छा पॉलिश कर लिया है। और ये वन वाई बैरिंग हम जैसे पूरा असेंबली नहीं चेंज करेंगे क्योंकि मार्केट में नहीं मिला और इसका कीमत बहुत ज़्यादा है। जैसे ये दोनों मिला के ये और ये मिला के 5200 रुपया भी उसका कीमत हो गया है, दाम बढ़ चुकी है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये दोनों चीज़ हम रख देंगे और सिर्फ ये नेट वाला जो वायरिंग होता है वन वाई वायरिंग, इसे हम न्यू डालेंगे और ये बाइक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, इसके अंदर जो खरोच है, हम लोग जैसे कि पॉलिश किया, पतला जो सीरीज पेपर होता है उसे घस घस के पॉलिश करके के बाद हम इसे शेडिंग करेंगे। और चलो मेरे मैकेनिक भाई, मेरा पॉलिश हो चुकी है, अब हम आपको शेडिंग करके दिखाते हैं और बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा रहता है। हम लोग इसे लुब्रिकेंट कर लेते हैं और इसका जो मार्किंग है मेरे मैकेनिक भाइयों, एक साइड बड़ा है और एक साइड छोटा है, तो हम इस तरह से नहीं रुकने वाला है, तो हम इसे इस तरह से ढुकाएंगे और ये आराम से शेडिंग हो गया। अब मेरे मैकेनिक भाइयों, ये काम किस तरह से करता है, अब ये काम किस तरह से करता है, देखो ये दोनों साइड अभी घूम रहा है लेकिन इसे हम जब लगाएंगे तो एक साइड में घूमेगा। चलो इसे भी हम लुब्रिकेंट कर लेता है, देखो इस तरह से ये घूम रहा है, इंजन को इस तरह से घुमाएगा। अगर मोटर इस तरह से घूमेगा तो जैसे कि देखो ये हमारा हाथ को ये पिनियम को घुमा रहा है, और इस तरह से हम अगर घुमाएं तो ये फ्री जाएगा। साइकिल में जो फ्यूल होता है उसी हिसाब का ये है, हर कोई बाइक में वन वे बैरिंग होता है सेल्फ स्टार्ट करने के लिए। अभी चालू हो गया, अब हम सेटिंग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं सेटिंग किस तरह से करें। तो मेरे मैकेनिक भाई, वन वे बैरिंग हमने सेटिंग कर दिया है, अब जैसे कि हम इसको यहाँ लगाएंगे, ठीक है, वॉशर देना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये बस वॉशर हमने दे दिया। ये जो करारी है इसका साथ मैचिंग है, ठीक है, इसका साथ मैचिंग है, तो चलो हम इसे इसका साथ, इसमें कोई टाइमिंग नहीं होता है मेरे मैकेनिक भाइयों, काफ़ी सारे मैकेनिक बोलते हैं इसका इसका टाइमिंग है, लेकिन इसमें कोई टाइमिंग नहीं। आप हाउसिंग को थोड़ा भरेंगे और इसको हम भरेंगे, ठीक है, तो देखो ये आराम से चला गया है और हाउसिंग भी हमारा सेटिंग हो गया है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो पुलार लगा के हम नाट को टाइट कर देंगे, ठीक है, ये जो पुलार होता है ये पुलार हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया है और ये घूमने वाला नहीं है। अब हम इसका जितना भी नाट है, तो मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो हम लोगों का टेंशनर का पैड होता है, डिस्पैड टाइमिंग पैड, इसी भी हमने शेडिंग कर दिया है और इसका नाट भी हम लगा देंगे, इसको भी हमने लगा दिया। अब हम लगाएंगे बोल्ट जो इसको टाइट करेंगे, अब हाउसिंग का नाट भी टाइट करेंगे। तो हाउसिंग का नाट फाइनल ही हम लोग टाइट कर देते हैं, ठीक है, फाइनली इसे फुल टाइट कर दिया। अब हम टाइट करेंगे इस नाट को, इस नाट को भी टाइट कर दिया, ठीक है। अब हम अब 12 नंबर नाट को भी हम टाइट कर देंगे। अब मेरे मैकेनिक भाइयों, ये जो टाइमिंग चेन जब टाइट करते हैं, इसको हमने निकाल लिया
और ये जो टेंशनर होता है हम लोग किस तरह से टाइट करें। जैसे कि बाइक में अगर टाइमिंग चेन ढीला हो तो हम लोग आहिस्ता करके मारतूल लेके इसे ठेलेंगे, जैसे इस तरह से ठेलेंगे आगे बढ़ जाएगा। ये हर बाइक की तरह नहीं है जो नाट ढीला करेंगे टाइट करेंगे ये टाइट होगा, लेकिन एक बार अगर टाइट हो जाए ना तो ये नमने वाला नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग टाइट करके रखता है। तो हम लोग इसे ये दबा के इसे हम इस तरह से लगा के और यहाँ हम लगाएंगे, ठीक है, यहाँ हम लगाएंगे। लगाने के बाद नाट लगा के हम इसे टाइट करेंगे। किस तरह से टाइट करें वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़्यादा टाइट करने से क्या होता है, बाइक का साउंड क्वालिटी सांसा करेगा, और हम लोगों को जितना ज़रूरत होता है उसी तरह टाइट करेंगे उस हिसाब से, जिसमें कि टाइमिंग चेन ज़्यादा टाइट नहीं रहे। अगर टाइट कर दे तो इंजन भारी हो जाएगा और इंजन का साउंड जो होता है सांसा करेगा। तो मेरे मैकेनिक भाई एक्यूरेट से हम लोगों को करना है, तो चलो इसको पहले लगा देते हैं। अब मेरे मैकेनिक भाइयों टाइमिंग चेन को हम किस तरह से टाइट करते हैं देखिए, इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर ले जा रहा है। टाइमिंग चेन थोड़ा ढीला है, और भी टाइट करेंगे, बस ये टाइट हो चुकी है, ठीक है। एक घाट और हम करेंगे, बस ये फुल टाइट हो गया है, और हम ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, बस ये हम उस स्प्रिंग और नीचे का 10 mm का जो बोल्ट है इसे हम टाइट कर देंगे और इस नाट को टाइट कर देंगे। अब मेरे मैकेनिक भाइयों हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब बाइक का सेल अब सेल मार रहा हूँ, आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिंपल के तौर पे। जैसे ये कहाँ दिखाइए, इग्निशन को ऑन किया, और यहाँ दिखाइए हम सेल पे है, और यहाँ दिखिए देखो इंजन घूम रहा है, इंजन घूम रहा है, ठीक है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों इंजन भी घूम रहा है पूरा, हर कोई पास घूम रहा है। अब जैसे कि हम ये चैम्बर लगा देंगे, इंजन ऑयल लगा देंगे, आप लोगों को सेल्फ स्टार्ट करके दिखाएंगे। तो इसके लिए हमको ये लगाना पड़ेगा जो क्लच बूस्ट होता है और बैरिंग वाला, अगर ये बैरिंग ख़राब रहे तो क्लच सिस्टम ख़राब आएगा। तो मेरे मैकेनिक भाई इसमें पैकिंग नहीं रहता है, हमको इसमें थोड़ा अट्ठा देना पड़ेगा, देने के बाद ये चैम्बर हम फिट करेंगे, ठीक है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों ये जो रिजिबोन आटा है इसे हम फाइनली लगा देंगे, क्योंकि इसका अंदर जितना भी हम लोग सिस्टम है अच्छी तरह से सेटिंग कर लिया है, और ये एक बार अगर सेटिंग कर दे तो पैकिंग अगर अट्ठा लगा दे रिजिबोन अट्ठा ये खोलने का ज़रूरत नहीं, इसीलिए हमने इसे हल्का करके दे दिया है। अब मेरे मैकेनिक भाइयों अब इसे ठेल दिया और हम आराम से सेटिंग करेंगे। तो चलो हम इसे सेटिंग करते हैं और आप लोगों को दिखाता है। बस चैम्बर हमारा सेटिंग हो चुकी है, अब हम इसको नाट लगाएंगे, नाट लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। तो मेरे मैकेनिक भाइयों हमने सब कुछ सेटिंग कर लिया है, अब आप लोगों को सेल मार के स्टार्ट करके दिखाता हूँ भाई, ठीक है। जैसे इग्निशन ऑन किया, बंद हो गया, सेल मार रहा हूँ, बंद किया, बंद किया, तो मेरे मैकेनिक भाइयों आप लोगों ने देखा ये जो रॉयल इनफील्ड बाइक है इसमें जैसे कि प्रॉब्लम था सेल्फ स्टार्ट का, हमने आप लोगों को दिखाया अगर सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम हो तो किस तरह से हम लोग सेल्फ को रिपेयरिंग करें, क्योंकि इसका जो वन वाई वायरिंग का कीमत होता है 5000 का ऊपर में है और आसपास में है। तो मेरे मैकेनिक भाइयों सबसे पहले हमने खोल के देखा और इसका वन वाई वायरिंग पूरा कंप्लीट ख़राब था, लेकिन मार्केट में पूरा मुझे पूरा सेट नहीं मिला, और उसके कारण हमने क्या किया जो सिर्फ बैरिंग लगाया और कम पैसा में इस पर सेल्फ चालू हो गया। तो आप लोगों को दिखाया हम लोग वन वाई वायरिंग किस तरह से लगाए, अच्छी तरह से आपको दिखाया। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो हमारा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर भाई गुरु के साथ।